जनता का प्रत्याशी हम हैं और जनता के प्रत्याशी जनता मन बना चुकी है। अब कौन हमारे पीछे है लड़ाई में कि हम नहीं जानते हैं, जनता से कुछ पूछिएगा तो वे लोग बता सकते हैं। हमको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जाति पाति से ऊपर उठकर सारे बिरादरी के समाज के लोग हमको मान रहे हैं। समरस समाज की स्थापना करना है डुमराव में, ना कोई जाति रहेगा ना कोई पार्टी रहेगा, केवल डुमराव की विकास की बात होगी और समरस समाज की स्थापना होगी। अभी आपने बात किया किसानों के हित के लिए, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किसानों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूं, किसान की सबसे पहली प्रमुख मांग है पानी जी। पानी खेतों में पहुंचाना, जो हम लोग 30 वर्षों से मलई बराज की लड़ाई लड़ते हैं और कहीं कहीं जो छोटी छोटी नदियां है उस पर भी बांध बनाकर किसानों को खेतों में पानी पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और मलई बराज से तो निश्चित रूप से हम यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं, जब तक खेत में पानी नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम दम से बैठने वाले नहीं है। बाहरी प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, बहुत से लोग पार्टी के उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, उन लोग को बाहर से पैसा चारों तरफ पैसा पर सीट बांटा जा रहा है। हर पार्टी में कोई पार्टी का नीति नहीं, एक पार्टी का बात नहीं है, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, पैसा का खुलेआम खेला खेला जा रहा है। कभी इससे गठबंधन हो रहा है, कभी उससे गठबंधन हो रहा है। जनता उब चुकी है, अब जनता अपने जो लोकल लीडर है उसको अपना नेता मान रही है और उन लोगों को खारिज करने का काम कर रही है। जनता के बीच में क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? हम जनता के बीच में किसान के बेटे हैं, सबसे पहले उनकी पानी की व्यवस्था करेंगे, उनकी संतान के लिए जो सरकारी स्कूल है अच्छे अच्छे शिक्षकों को रेगुलर पढ़ाई करवाने का व्यवस्था कराने का काम करेंगे। और जो किसान है, जो जितने भी पीएससी है, अनुमंडल अस्पताल है, जितना भी उपकरण नहीं रहेगा विधायक बनने के बाद हमारे कोष से सारे उपकरण का व्यवस्था कराकर हम वहां पर दुरुस्त कराने का काम करेंगे। किसानों को से शिक्षा बेटे के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, या किसानों को खेतों में पानी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात होगा उसको हम देखेंगे, करते रहेंगे। प्रवासी भी मजदूर लौट करके आए हैं, ये जो प्रवासी मजदूर है बेरोजगारों के सवाल है, तो मैं तो यहाँ का एक जनप्रतिनिधि रहूंगा मगर सड़क से लेकर सदन तक चैन से जो सरकार बनेगी उसको बैठने नहीं दूंगा। लोगों को, नौजवानों को रोजगार चाहिए, हम किसान के बेटे हैं, किसी तरह से अपने मुंह गाड़ जात कर उसको पढ़ाई पढ़ाते हैं मगर जो बेटा पढ़ाई बेरोजगार हो गया उसे कल खेत में काम भी नहीं होगा। इसलिए हम उस दर्द को समझते हैं, उन बेटों के लिए हम आंदोलन करेंगे और विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे और सड़क पर भी आवाज उठाएंगे। आप जुआ है, अधिक जुआ यहाँ दिख रहे हैं, जुआओं को कैसे संतुष्ट करेंगे? जब देश में कोई भी परिवर्तन होता है उसमें जुआ की सबसे अधिक भागीदारी रहती है। जब जुआ मन बना लेता है, ठान लेता है, तो छह तरह का परिवर्तन होता है, उस देश में परिवर्तन होता है, उस देश में आजादी मिली है जुआओं के बल पर। अब जुआ यहाँ का ठान लिया है कि डुमराव में न कोई जाति रहेगी न पाती रहेगी, समरस समाज का स्थापना होगा और डुमराव के विकास के केवल बात होगी। हेलीकॉप्टर उड़ेगी विधानसभा में, बिल्कुल जनता उड़ा दिया है।